टेंथ तक था, 11th 12th में नो मैथमेटिक्स, जस्ट बायो. सो फिर मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी से, बट कोविड की वजह से सब चीज़ें ऑनलाइन ही थी. तो कि ये बायो पढ़ते पढ़ते अचानक से आप डेटा एनालिटिक्स के बारे में कैसे सोचने लगे, मतलब कैसे पता चला इसके बारे में? तो ये मैंने स्टार्ट किया था MSc के लास्ट में ही, जब मेरा लास्ट चल रहा था, कि सब चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही थी, तो हम जस्ट असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर देते थे. तो बीइंग फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सीखनी थी. आई वाज न्यू टू द प्रोग्रामिंग, कि मेरे जो IT वाले जो फ्रेंड्स होते थे वो भी मुझे बोलते थे कि यहाँ पर तो BTech वालों की ही इतनी लंबी लाइन है, लाइक तुम नॉन IT से हो तो कैसे कर पाओगी, तो नहीं हो पाएगा. बट आई डिडंट गिव अप. हाय एवरीवन, सो आज हमारे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो वी हैव बकुल विद अस. सो बकुल ने BSc किया हुआ है एंड आफ्टर दैट शी डिड MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड करंटली शी इज वर्किंग एज अ पावर BI डेवलपर. सो कोई मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल शी इज एबल टू क्रैक सच अ गुड ऑफर. सो वी विल सी हर जर्नी, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे अप्लाई किया. सो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड एंड बिफोर वी स्टार्ट हिट द लाइक बटन. हाय बकुल, हाउ आर यू? Hi Faraz. Yeah, I'm doing good. What about you? I'm also good. So Bakul, बहुत सारे questions हमें आपसे पूछने हैं regarding your preparation, regarding interviews. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा introduction दे दो. Yeah, sure. So my name is Bakul Verma and मैंने अपना जो BSc है वो मैंने ZBC से किया है, from HND Garhwal University. And after that, I pursued my masters from the same college in biotechnology. Got it. आपने बताया कि आपने BSc और MSc किया हुआ है, वो भी biotechnology में, right? या एग्जैक्ट. सो ये ना थोड़ा सा मुझे एक न्यू ट्रांजिशन लग रहा है, मतलब आपने बायो पढ़ी हुई है एंड क्या आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स थी? नो, 10th तक था, 11th 12th में नो मैथमेटिक्स, जस्ट बायो. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी, फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स नॉन कोडिंग बैकग्राउंड टू डेटा एनालिटिक्स. सो काफ़ी मज़ा आने वाला है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका गोल क्या था बिहाइंड टेकिंग BSc MSc, क्योंकि आपने मास्टर्स भी किया उसी फील्ड में. सो मुझे लगता है कि यू वांटेड टू परस्यू योर करियर इन बायोटेक ओनली, राइट? तो पता चल रहा था कि किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर कोविड जो जिस तरीके से डिमांड्स वगैरह थी, मतलब बायो सेक्टर में जॉब्स का था, तो मुझे लगा कि इट विल बी अ गुड थिंग टू नो टू डू. सो फिर मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी से, बट कोविड की वजह से सब चीज़ें ऑनलाइन ही थी, तो इतना कुछ कवर कर नहीं पाया, मतलब जितना सोचा था कि मैं एक्सप्लोर करूँगी उतना हो नहीं पाया. ऑलराइट, सो बेसिकली आपने जो मास्टर्स किया दैट वाज ऑनलाइन सेमेस्टर्स थे उस टाइम पे. ऑनलाइन. ओके, ठीक है. आपने मुझे बताया कि आपने कुछ कोचिंग वगैरह भी पढ़ाई थी कुछ टाइम के लिए, ट्यूशन भी पढ़ाए थे. या सो एक्चुअली इट वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ माई मास्टर्स. सो वट हैपन्स इज दैट इट देर वॉज अ मिस हैपनिंग, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था. सो मेरा फोकस यही था कि मैं कम्प्लीटली मतलब अपना पढ़ाई पर ही फोकस करूँगी, हर चीज़ अच्छे से करूँगी. सो बट देन दिस मिस हैपनिंग टू प्लेस. सो इसके लिए फिर मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करना पड़ा फैमिली को, तो इसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया, बिकॉज कोविड की वजह से वहाँ पर ऑफलाइन कोई स्कोप था नहीं, सब चीज़ें बंद ही थी. तो फिर इस वजह से फिर मैंने ऑनलाइन ही अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, फिर ऐसे प्रॉपर एडवर्टाइजिंग की थोड़ी, एंड देन मैंने काफ़ी जगह से फिर बच्चे कनेक्ट हुए, फिर उनको मैंने ऑनलाइन ट्यूशन्स देना स्टार्ट. ऑलराइट, आपने एडवर्टाइजमेंट्स कैसे की एक बार हमें बताएंगी? या सो इट वॉज बेसिकली माई फ्रेंड्स हेल्प मी, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू एंड देन यूट्यूब के थ्रू थोड़ा मैंने बनाया, अपने जो ट्यूटोरियल्स थे छोटे छोटे बनाकर वो मैं डालती थी. सो फिर बच्चे कनेक्ट करते थे एंड देन दैट्स हाउ इट गोज. गॉट इट. सो आप क्या पढ़ाते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती थी और साइंस पढ़ाती थी 9th 10th को. या अरे वाह, मतलब मैथमेटिक्स तो आपने खुद नहीं लिया था, बट इट वाज स्टिल 9th 10th वाली क्लास को पढ़ाते थे, राइट? या नहीं, बिकॉज जितना मैंने किया था 10th तक मैथमेटिक्स, मुझे पता था कि क्या क्या चैलेंजेस जो मैंने फेस किए थे. सो मैं चाहती थी कि जो बच्चे हैं उनको वो चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े, तो मैं उनको वही बताती थी. मैं स्पेसिफिक पॉइंट भी बोलती थी कि ओके, व्हेन आई वाज इन 9th आई वाज स्टक एट दिस पॉइंट, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, डोंट गेट स्टक हियर. तो उस हिसाब से मैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ऐसे करके बताती थी, जैसे मैंने खुद के, मतलब जो ताकि जो चीज़ें मैंने फेस की वो नहीं फेस करें. अच्छा, अपना मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये बायो पढ़ते पढ़ते अचानक से आप डेटा एनालिटिक्स के बारे में कैसे सोचने लगे, मतलब कैसे पता चला इसके बारे में? या सो इट बिगिंस ड्यूरिंग माय मास्टर्स ओनली. तो मास्टर्स के टाइम पे हम ऐसे हमारे सिलेबस में था बायो स्टैटिस्टिक्स था, तो उसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें स्टैट्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड बताई गई थी.
So after that, we also worked on certain like biological databases also regarding the gene sequencing and then उनके alignment check करना. तो इन सब के लिए थोड़ा बहुत मुझे पता चलने लगा कि यार जो data analytics है कि उसका काफ़ी सारा role है इस field में भी. So then I started exploring more. तो फिर मैंने YouTube पे सर्च किया इस बारे में और कि मतलब क्या एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये. तो फिर मेरे को पता चला कि ये वेरी काफ़ी डाइवर्स फील्ड है और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेटा साइंस का जो है. तो फिर मैंने और अच्छे से और ज़्यादा इसके जो जॉब प्रोफाइल्स थे वो मैंने सर्च करने स्टार्ट किए यूट्यूब पे. सो फिर मुझे पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा साइंस एंड फिर इस तरीके से किया. गॉट इट. सो बेसिकली जो आपने स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया था अपने स्टडीज़ में इन बायोटेक, वही सेम स्टैटिस्टिक्स कुड बी यूज्ड इन अदर बिजनेसेस एज वेल. तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता चली एंड देयर एग्जिस्ट एन आईटी प्रोफाइल बाय द नेम डेटा एनालिटिक्स जिसमें सेम चीज़ें यूज़ होती हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप बायोटेक कंप्लीट करते उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जॉब के, मतलब एंड उसमें सैलरीज किस रेंज में मिलती हैं? सो बायोटेक में क्या है, सबसे पहले तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन बात करें उसकी के जॉब रोल्स क्या हैं तो वो बहुत ही मतलब काफ़ी लिमिटेड थे जो मुझे लगे, और अगर हैं भी तो उसमें मतलब पे स्केल उतना अच्छा नहीं आपको मिल पाता है, प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ करना पड़ता है बट पे स्केल आपको उसके हिसाब से मिल नहीं पाता. देन बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है जो आपको करनी पड़ती है एंड दैट टू डजंट कम्स विद श्योर शॉट जॉब गारंटी. सो ओके गॉट इट. तो मतलब बेसिकली जॉब नंबर ऑफ जॉब्स भी थोड़ी कम है एंड देन पे स्केल थोड़ा सा कम है, राइट? एग्जैक्टली. ओके एंड आपने यही चीज़ डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी सर्च करी होगी, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको उसमें क्या पता चला, मतलब कि किस रेंज में सैलरीज मिलती हैं फॉर फ्रेशर्स? या सो उसमें जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला लाइक फॉर अ फ्रेशर फॉर एंट्री लेवल पोजिशंस तो दे प्रोवाइड यू पैकेज बिटवीन 5 to 10 LPA. सो इट या विद दिस रेंज इज गुड टू स्टार्ट. ऑल राइट. हाँ एंड देन इफ यू ग्रो इन दिस फील्ड देन वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है. एग्जैक्टली. फिर तो कोई लिमिट नहीं, बस ये कि आपको एक बार एंटर आप कर जाते हैं अच्छे सैलरी पे एंड देन यू कैन कीप ग्रोइंग. तो आपने फिर प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट करी, मतलब कोई फ्री रिसोर्सेज वगैरह फॉलो करे या फिर किस तरीके से आपने स्टार्ट किया एंड इन विच ईयर, मतलब ये MSc करते करते स्टार्ट किया था या बाद में स्टार्ट किया था? तो ये मैंने स्टार्ट किया था MSc के लास्ट में ही, जब मेरा लास्ट चल रहा था क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही थी तो हम जस्ट असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर देते थे. तो उसी टाइम पे फिर मैंने जब देखा कि क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए और क्या क्या रोड मैप्स वगैरह होते थे तो एक चीज़ मुझे कंफर्म हो गई थी कि इसके लिए लाइक एक जो स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है वो ही सूटेबल रहेगा. दो आप कर सकते हो ऑफलाइन भी बट आई थिंक अगर आपको अपना टाइम सेव करना है और आपको चाहिए कि अच्छे से सब चीज़ें आप प्रिपेयर भी कर सको प्लस जो कि इंडस्ट्री रेलेवेंट भी हो, क्योंकि सोर्सेज बहुत सारी हैं, कंटेंट बहुत सारा है बट कितना आपको चाहिए इंडस्ट्री में एंट्री के लिए, कितना इंडस्ट्री रेलेवेंट है, तो उसके लिए लाइक एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ही आपको चूज़ करना चाहिए. सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द प्लेटफॉर्म एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट ओडिन स्कूल. सो आई जॉइन द बूट कैम्प एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. गॉट इट. तो आपने आपने खुद से कोई तैयारी नहीं करी थी इससे पहले, मतलब खुद से SQL वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया था? क्योंकि मतलब इसमें एंटर करने के लिए भी आपको थोड़ा बेसिक लेवल की चीज़ें आनी चाहिए थी, क्योंकि एक हमारा टेस्ट भी होता था एलिजिबिलिटी टेस्ट, सो उसके लिए भी मुझे फिर प्रिपेयर करना था. तो देन मैंने फिर उसके लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. तो मैंने थोड़ा स्टार्ट से किया था, फिर थोड़ा बहुत एक्सेल एंड देन पाइथन. तो बकुल हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे टू गेट अ जॉब इन डेटा एनालिटिक्स? ओके सो इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन डेटा एनालिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. सो आई स्टार्टेड विद द स्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी क्लियर एंड देन फॉलोड बाय द वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू पिक, के आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेसिफिकली जो पाइथन है वो बहुत ही पॉपुलर है डेटा साइंस के लिए. सो आप पाइथन के साथ जाइए एंड देन जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो भी MySQL या SQL जो है तो उसको आप उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन अ विजुअलाइजेशन टूल ईदर Tableau और Power BI और बोथ इनके साथ भी आप जा सकते हैं. फिर यही सब चीज़ है, बेसिकली यही है कि SQL, Python एंड देन Power BI और Tableau. SQL, हाँ बेसिकली SQL आपने बता दिया एंड MS Excel वगैरह
ये सब भी चाहिए होता है ना? MS Excel भी चाहिए रहता है, बट मेरा मतलब मेरा जो रोल है उसमें इतना MS Excel का रोल नहीं है, बट या यू कैन स्टार्ट विद इट आल्सो, दैट टू इज गुड। तो बकुल, ये सारा कुछ कवर करने में लगभग कितना टाइम लगा आपको? सो ये सब चीज़ें जो थी, क्योंकि मैंने बूट कैंप को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर हमको स्ट्रक्चरली सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। वी स्टार्टेड विद लाइक विजुअलाइजेशन टूल्स इंक्लूडिंग टैबलू, फॉलोड बाय द प्रोग्रामिंग, एंड देन वहाँ पर क्या होता था, हमको जैसे विजुअलाइजेशन टूल बताया, एंड देन पाइथन, एंड देन सीक्वल, तो उन सब का रिविजन भी प्रॉपर हमको मिलता था। एंड देन उसका जो एडवांस लेवल, लाइक दे स्टार्टेड विद द बेसिक लेवल एंड देन विद द एडवांस लेवल ऑल्सो, वंस वी आर डन विद द बेसिक लेवल एंड देन वी कम्प्लीटेड द एडवांस लेवल टू। सो इन दिस वे काफ़ी रिविजन भी हो गया था और सब चीज़ें अच्छे से कवर हो गई थी। तो बकुल, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपने पाइथन सीखी है और इससे पहले आपने कभी प्रोग्रामिंग करी नहीं है, सो पाइथन फर्स्ट टाइम सीखते सीखते क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? तो बींग फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सीखनी थी। आई वॉज न्यू टू द प्रोग्रामिंग, सो शुरू में अच्छा रहा, बट देन जब वो स्टार्टिंग से जब हम करते थे उसको खुद इम्प्लीमेंट, मतलब जब टीचर बताते थे, मेंटर्स कराते थे, तो लगता था ओके ये तो हो जाएगा, बट जब खुद करते थे तो फिर काफ़ी दिक्कत आती थी जब खुद से करते थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइक जब हम दूसरों को देख रहे हैं उन्होंने जो किया वो हमको जो दिख रहा है, बट जब हम चाहते हैं हर चीज़ का, जैसे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, सिंटैक्स प्रॉपर है कि नहीं, आपने कॉलन लगाया कि नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे सीक्वल करते हुए आपने ब्रैकेट्स प्रॉपर लगाए हैं कि नहीं, तो वो सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था, तो उस वजह से काफ़ी एरर्स भी आते थे। लाइक सब चीज़ें सही की है, बट वही सिली सिली मिस्टेक्स जो होती थी उसकी वजह से, बट विद प्रैक्टिस हो जाता है। यस, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग एक इतनी सिंपल चीज़ है ना, मतलब मैं अगर आपको सिखाऊंगा, अगर आपने 10th तक मैथमेटिक्स की हुई है ना, आई कैन ईजिली मेक यू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, लेकिन जब आप खुद से कोड करने बैठेंगे तब दिक्कत आएंगी, क्योंकि तब 50 चीज़ें हो जाती हैं कि सिंटेक्स कैसा है, इंडेंटेशन कैसी है, एंड देन उसके बाद एक सेमी कॉलन मिस हो गया तो उसमें एरर थ्रो कर देगा वो। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, समझ में आपको सब आ जाएगा। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी लॉजिकल होती हैं, वहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप सब समझ में आएगा, बट जब करने बैठोगे तब दिक्कत आती है। सो दैट्स द सॉल्यूशन इज़ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट आएगा, उतना जल्दी आपने एरर्स वगैरह फिगर आउट कर पाओगे कि यहाँ पर एरर है ना। या एग्जैक्टली, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आपने थोड़ी सी चीज़ भी सीखी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको प्रैक्टिस करो, और उसके अराउंड और भी सारे जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करो, तो उससे क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब मुझे एक बात और बताइए, इंटरव्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन इंटरव्यूज़ में फर्स्ट स्टेप होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, सेकेंड स्टेप होता है इंटरव्यूज़ में अपीयर करना, तो इन दोनों ही स्टेप में क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि यार आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो इसलिए आपको रिजेक्ट किया जा रहा है? एग्जैक्टली, तो ये चीज़ काफ़ी फेस की है मैंने रिज्यूम में, मतलब मेरे काफ़ी जगह पर भेजे जाते थे अकेडमी के थ्रू, बट देन शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती थी मैं, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का दिक्कत रहता था, तो उस वजह से काफ़ी, मतलब डिस्पाइट हैविंग ऑल द स्किल्स, ऑल द रेलिवेंट स्किल्स एंड कमांड ओवर दोज, सो आई वॉज नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्ट, तो वो थोड़ा दिक्कत भी आती थी उसमें, बट देन आई लाइक चेंज मेड सम चेंजेस, इंक्लूडेड सम मोर प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन किए अपने रिज्यूमे में, एंड देन स्किल सेट्स भी अच्छे से मेंशन किए, तो फिर हो गया। हाँ, तो उस चीज़ का बेसिकली इंपैक्ट आया कि आपने जब प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने मेंशन किए, स्किल सेट मेंशन किया, सो अब लग रहा था कि बेसिकली इन्होंने की हुई हैं ये सारी स्किल्स, एक्वायर की हुई हैं, राइट? एग्जैक्टली, एंड देन लिंक्डइन आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मैं मेंशन भी करती थी अपने जितने भी सारे जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको गिटहब पे प्रोफाइल बनाकर, वो सब चीज़ें मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाती थी तो उसकी लिंक्स भी मेंशन करती थी, दैट ओके यू कैन सी माय प्रोजेक्ट्स हियर, तो उसका रेफरेंस भी, तो वो रिज्यूमे में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो इस तरीके से। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो अभी ना हमें आप अपने इंटरव्यूज़ के बारे में बताइए, लगभग कितने इंटरव्यूज़ में आपने अपीयर किया था? या लाइक अराउंड 5 इंटरव्यूज़ आई अपीयर्ड, एंड आउट ऑफ दोज आई क्लियर 2 ऑफ देम। ऑल राइट, तो 5 इंटरव्यूज़ आपने दिए, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा आपको। वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बींग आस्ड, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेक्निकली पूछे जाते हैं, मतलब टेक्निकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, देर आर फ्यू क्वेश्चन जो आपसे मैनेजरियल पूछे जाते हैं या बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक बार हमें बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थे वो? या श्योर, तो क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, जब आपका टेक्निकल में तो यही है कि वो आपसे कोडिंग वगैरह करवाते हैं, आपको कोडिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं,
अलॉन्ग विद द लॉजिक बिल्डिंग, क्योंकि उनको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपको पाइथन आता है, रूल्स वगैरह याद करना इट्स ऑल काइंड ऑफ ईजी, बट आप उसके थ्रू कैसे आप लॉजिक बिल्डिंग कर पाते हो, दैट्स बेसिकली दे वॉन्टेड टू सी. सो आर यू सेइंग कि दीज आर डीएसए क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस? नो not the DSA related questions, but still like some logic building, simple logic building, like the Fibonacci series they will ask, okay. Or the prime number related question, like how will you find that which number is prime or not, like these kind of questions. ठीक है. So these are coding questions. Apart from that, or technical कौन से questions होते हैं, SQL से related या MS Excel से related? या लाइक MS Excel से रिलेटेड तो इतने मैंने काउंटर नहीं किए क्वेश्चंस. बेसिकली दीज आर फ्रॉम द क्वेश्चंस वर फ्रॉम पाइथन एंड SQL एंड देन पावर बी आई ऑल्सो. इन पावर बी आई जो भी सब, क्योंकि बेसिकली मैंने जो फोकस किया था मैंने पावर बी आई और SQL पे किया था, बट आई डेंट इग्नोर्ड पाइथन बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मस्ट. लाइक कोडिंग आपको आना चाहिए, उस पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का. सो दैट्स वाई आई मतलब पाइथन मैंने इतना कर लिया था कि अगर मेरे को दिया जाएगा काम उसमें तो आई विल बी एबल टू डू. लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हो गए, उनको अप्लाई करना हो गया, तो वो सब मैं कर लेती थी, बट आई फोकस्ड मोर ऑन पावर बी आई एंड SQL. Got it. And SQL के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे? SQL के बेसिकली द ग्रुप बाय रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, और हमारे काफ़ी सारे विंडो फंक्शंस जो होते थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एंड इसी के अराउंड पूछते हैं वो. और लाइक सब क्वेरीज हो गई, सब क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, विंडो फंक्शंस हो गए, सो इन सब से रिलेटेड. गॉट इट. अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल क्वेश्चंस और किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? और लाइक दे बेसिकली वांट टू असेस के वेदर यू आर अ गुड फिट और नॉट. सो बेसिकली यही चीज़ पूछते थे वो. इसके लिए प्रोजेक्ट्स के अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके आते थे. लाइक व्हेनेवर आई प्रेजेंटेड अ प्रोजेक्ट तो मैं बताती थी उनको कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या नीड थी, और फिर मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, एंड देन उसका रिजल्ट क्या हुआ. इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करती थी, एंड देन उसी के अराउंड वो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछते थे कि आउटकम क्या हुआ, एंड देन चैलेंजेस क्या क्या फेस किए आपने, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए प्रोजेक्ट्स करते हुए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको आपको एंड टू एंड प्रॉपर करना है, उसके आपको सब कुछ पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए. ऑलराइट, वुड यू लाइक टू शेयर द प्रोजेक्ट्स व्हिच यू मेंशनड इन योर रिज्यूमे? या सो प्रोजेक्ट्स मोस्टली दोज वर लाइक जो हमको बूट कैंप में ही दिए गए थे. तो उसमें था कि एक मेरा था मैक्सिको रिटेल प्राइस का था एक प्रोजेक्ट हमारा, एंड देन एक था हमारा उसका पाई स्पार्क और पाइथन का था जो कि था ओलंपिक्स डेटा सेट पर था. तो उसमें हमने SQL का भी यूज़ किया था, एंड देन उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन भी किया था SQL में अप टू 3NF. तो नॉर्मलाइजेशंस भी की थी हमने, एंड देन फिर हमने उसको पाई स्पार्क का यूज़ करके भी उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो थे उनको सॉल्व किया. तो बकुल बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी. अपना यार काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन आईटी से आईटी में स्विच करना चाहते हैं, एंड जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, 5-6 महीने की एटलीस्ट ये जर्नी होती है, बीच बीच में डीमोटिवेशंस भी आते हैं. तो आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ये तो आपको दिमाग में, अगर आपने ट्रांजिट किया है तो प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस वो आएंगी, बट ये है कि आपको प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ उसको फेस करना है. क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था कि मेरे जो आईटी वाले जो फ्रेंड्स होते थे वो भी मुझे बोलते थे कि यहाँ पर तो बीटेक वालों की ही इतनी लंबी लाइन है, लाइक तुम नॉन आईटी से हो तो कैसे कर पाओगी, तो नहीं हो पाएगा. बट आई डिडंट गिव अप, कि मेरे को लगा था कि अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे लगता है, इफ़ यू हैव फेथ कि यस हमसे होगा तो वो हो जाएगा इवेंचुअली. और अगर आपने हार्डवर्क किया है, आपने अपने स्किल सेट पे काम किया है, आपने अपने माइंड सेट को उस तरीके से डेवलप किया है, उस तरीके से खुद को ढाल लिया है, तो आप इजीली कर सकते हो, आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. बाकी डीमोटिवेशन के भी फेजेस आएंगे, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि गलती कर दी, आपको हो सकता है आपको ऐसा भी लगे बीच में कि गलती कर दी, बट वही एक पॉइंट होता है आपके ब्रेक थ्रू का. आपको उसी वही समझिए कि अगर हम इसको क्रॉस कर गए तो फिर आगे और कोई हर्डल बचेगा नहीं. अगर आप उसको क्रॉस कर गए और कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर काम करते रहे अपने स्किल सेट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा. थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा. अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो जाएगा.
डेफिनेटली. सो थैंक्स अ लॉट बकुल फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस. मुझे काफ़ी मजा आया आपकी जर्नी सुन करके, एंड आई होप बाकी लोगों को भी ये जर्नी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद बकुल, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक आउट हर यूट्यूब चैनल, एंड या यू कैन आस्क एनी क्वेरीज टू हर. ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए बाय बाय.